हेलो, वेलकम बैक। आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी बिल्कुल करीब है, क्योंकि आईपीएल 2021 का ऐलान हो गया, शेड्यूल बन गए हैं, सारे शेड्यूल आ चुके हैं, टीम किसके साथ खेलेगी ये भी आ चुका है। तो ये इंतज़ार था कि 2021 आईपीएल कब शुरू होगा। तो मैं बता दूं कि 2021 आईपीएल बहुत ही शानदार होने वाला है, और इसकी शुरुआत जो है 9 अप्रैल से होगी। 9 अप्रैल से, जी दोस्तों, 9 अप्रैल से आईपीएल 2021 की शुरुआत होने जा रही है, और ये 30 जून तक चलेगी। यानी फाइनल जो होगा वो 30 जून होगा, और 9 अप्रैल जो है वो आगाज़ होगा। तो भारत के 5 शहरों में ये आईपीएल का आयोजन होगा। चलिए, ये कंफर्म हो गया कि आईपीएल जो है सो इंडिया में खेला जाएगा, और 9 अप्रैल से भारत में आईपीएल का शुभारंभ होगा। चलिए, ये देख रहे हैं चमचमाती हुई ट्रॉफी आईपीएल की, ये चमचमाती हुई ट्रॉफी आईपीएल की। यस, कुछ और जानकारियां ले लेते हैं, ठीक है। देखिए, बीसीसीआई ने अब तक आईपीएल 2021 का औपचारिक ऐलान नहीं किया था, लेकिन इस मेगा T20 लीग का आयोजन अप्रैल और मई महीने में होना तय माना जा रहा था। इसके पहले माना जा रहा था, लेकिन अब तो डेट भी आ चुके हैं आईपीएल के। पिछला सीज़न यूएई में हुआ था, जो कोविड-19 के वजह से नो मैन इन प्रेजेंट में हुआ था, ठीक है। मुंबई ने जीता था इसको। चलिए, तो बहुत ही शानदार खबर खेल प्रेमियों के लिए। अब देखें कुछ खबर यहाँ आईपीएल से रिलेटेड। भारत और इंग्लैंड, अभी जो मैच टेस्ट मैच चल रहा है भारत और इंग्लैंड, हालांकि टेस्ट मैच खत्म हो गए, इसके बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के खत्म होने के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस को आईपीएल 2021, यानी आप टेस्ट का मज़ा ले लिए, इसके बाद आपको और भी मज़ेदार जो है मैचेस आने हैं कि तारीखों का। अब देखिए, हालांकि अभी 5 T20 और 3 वनडे मैचों का सीरीज खेली जा रहा है, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में 5 T20 और 3 वनडे मैच भी होने हैं, जिसके बाद यानी 12 दिन बाद 9 अप्रैल से इस मेगा T20 लीग की शुरुआत होगी। 9 अप्रैल से, ठीक है, 9 अप्रैल से। उसके पहले आप आनंद ले सकते हैं भारत और इंग्लैंड के T20 और वनडे मैचेस के। अब देखें, बीसीसीआई के एक सूत्र ने शनिवार को दी इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच पुणे में। ये तो इंग्लैंड और भारत के बीच जो वनडे सीरीज होनी है उसके विषय में यहाँ जानकारियाँ दी गई हैं, 28 मार्च को जो खेला जाएगा, ठीक है। 2021 आईपीएल का शेड्यूल भारत के इंटरनेशनल प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है। ये शेड्यूल आ चुका है, और तो आप इंतज़ार करें आईपीएल के चौके और छक्के को देखने का, चौके छक्के बेहतरीन खिलाड़ियों के, ठीक है। कुछ और जानकारियां ले लेते हैं। बीसीसीआई के एक सूत्र ने पीटीआई भाषा से कहा, हमने अंकित रूप से फैसला लिया है कि आईपीएल 9 अप्रैल से शुरू होगा, 30 मई को ख़त्म होगा। अगले हफ्ते संचालन समिति यानी गवर्निंग काउंसिल मीटिंग के दौरान तारीखों और स्थानों को औपचारिक मंजूरी मिल जाएगी। ये बातें थी, और जो अब क्लियर हो चुका कि 9 अप्रैल से आईपीएल शुरू हो जा रहा है और 30 मई तक चली जाए, ठीक है। देखिए, कुछ और बातें यहाँ बताई गई हैं, इनको भी ध्यान रखना जरूरी है। कोविड-19 महामारी के असर को कम करने के लिए बीसीसीआई ने मौजूदा हालात में आईपीएल मैचों को 5 शहरों, ये कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने 5 शहरों में ही आयोजन करेगा मैचों को, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, दिल्ली और अहमदाबाद में आयोजित करने का फैसला लिया। मुंबई शहर में मैचों की मेजबानी के लिए मंजूरी लेनी होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 के मामले तेज़ी से बढ़े, ये महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामले बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, इसलिए वहाँ के सरकारों से मंजूरी लेना आवश्यक होगा। और कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सिर्फ 5 शहरों में आईपीएल मैचेस कराए जाएंगे। देखिए, चेन्नई और कोलकाता के मैचों का आवंटन अगले कुछ सप्ताहों में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। आईपीएल 2020 को यूएई में
बायो बबल में आयोजित किया गया था, जिसे मुंबई इंडियन ने जीता था। तो ये कुछ खबरें हैं आईपीएल 2021 को लेकर के। आप इंतज़ार करें मैचों का और लेटेस्ट अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।